गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 7 पप्पी एंड आई टेक्स्ट बुक में हम ये पोएम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 64। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 64। एंजॉय द राइम्स ऑफ दिस पोएम। हमें इस जो पोएम है वो इसे हमें आनंद लेना है। पप्पी एंड आई, तो पप्पी बच्चों कौन है? तो पप्पी किसको कहा जाता है? तो जो डॉग का बच्चा होता है उसको पप्पी कहा जाता है। और आई यानी कि वो जो पोएट है उसकी बात की गई है। तो बच्चों हम आज ये पोएम सीखेंगे। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग। मेट वो मीट का सेकंड फॉर्म है, मीट का सेकंड फॉर्म मेट। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग। वी गोट टॉकिंग मैन एंड आई। मैं जब सुबह चलने, मेट मीन्स पास्ट में है कि मैं वो जो व्यक्ति और मैं जब वॉकिंग के लिए गए थे। वी गोट टॉकिंग, हमने बातें की। मैन एंड आई, मैं यानी कि मैं और वो जो पर्सन था, वो जो व्यक्ति था, जो मैन था, हमने बातें की। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड। मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन, ही वेंट बाय। जब वो व्यक्ति मेरे पास से पसार हुआ, तब मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। ब्रेड मीन्स बच्चों रोटी होती है, और जो हम खाते उसको भी ब्रेड कहा जाता है। तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे को, मिस पोएट को, ये जवाब दिया कि मैं डाउन टू द विलेज मीन्स गांव के नीचे की तरफ कुछ रोटी लेने के लिए जाता हूँ। तो बच्चों वो जो पोएट था वो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आप कहाँ जा रहे हो। तब वो जो व्यक्ति ने कहा कि मैं गांव के नीचे की तरफ कुछ ब्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो बच्चों, विल यू कम विथ मी। नो नो नॉट आई। विल यू कम विथ मी। नो नॉट आई। उसने पूछा वो जो व्यक्ति ने कि क्या आप मेरे साथ आओगे। विल यू कम विथ मी। आई मेड अ होर्स। नो यानी कि वो जो पोएट था, वो जो बच्चा था, वो उसको ना कह के नहीं मैं नहीं आऊँगा। नेक्स्ट बच्चों, इस बच्चे को कौन मिलता है वो हम आगे देखेंगे। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग। जब मैं भी वॉकिंग में गया, जब मुझे एक हॉर्स मिला, मीन्स घोड़ा मिला। वी गोट टॉकिंग हॉर्स एंड आई, और घोड़ा और मैं हम दोनों बातें करने लगे। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे, यानी कि वो जो पोएट था, वो जो बच्चा था, वो हॉर्स को पूछा कि आज तुम कहाँ जा रहे हो घोड़े। आई सेड टू द हॉर्स, ही वेंट बाय। जब वो घोड़ा मेरे पास से पासर हुआ, तब मैंने पूछा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। बच्चों यहाँ एक न्यू वर्ड है, हे मीन्स सूखी घास। तो डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, मैं कुछ सूखी घास लेने के लिए गांव के नीचे की तरफ जा रहा हूँ। विल यू कम विथ मी। नो नॉट आई। तो घोड़े ने भी पूछा कि क्या आप मेरे साथ आओगे। तो वो जो बच्चा था, वो जो पोएट है, आंसर ना कहा कि मैं नहीं आऊँगा। फिर बच्चों देखो, वो जो बच्चा है किसको मिलता है? सबसे पहले एक व्यक्ति को मिला, उसके बाद एक घोड़े को मिला, अब किसको मिलता है? बच्चों आज हम आगे देखेंगे। आई मेट पप्पी।
पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग। पप्पी मीन्स बच्चों, आप पिक्चर में देख रहे हो, पप्पी मीन्स एक छोटा सा बच्चा है डॉग का। मैं एक पप्पी को मिला, कब मिला, जब हम चलते थे वॉकिंग पर। वी गोट टॉकिंग पप्पी एंड आई, हम दोनों ने बातें की। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, आज अच्छे दिन पर आप कहाँ जा रहे हो, जो बच्चा था वो पप्पी को कहा। आई सेड टू द पप्पी एज ही वेंट बाय, मैंने जब पप्पी मेरे पास से पसार हुआ तब मैंने उसको पूछा। अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, मैं हिल्स मींस पहाड़ी, अप मींस ऊपर, तो मैं पहाड़ की ऊपर, रोल्स मींस घूमना, मींस चारों तरफ गोल गोल फरना, एंड प्ले, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, मैं पहाड़ी पर ऊपर जाके घूमना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। आई विल कम विथ यू पप्पी सेड आई, तो पप्पी ने कहा, सॉरी, वो जो बच्चा था, वो जो पोएट था, उसने कहा तो मैं आपके साथ चलूँगा, क्योंकि उसको घूमना खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो पोएम थी, पोएम में एक पोएट के रूप में एक बच्चा है, जब वो सुबह वॉकिंग में चलता है तो सबसे पहले उसको एक जो व्यक्ति मिलता है, तो वो दोनों बात कर रहे हैं, वो उस जो मेन को पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तब उसने आंसर दिया कि मैं गांव के नीचे की तरफ कुछ ब्रेड लेने जा रहा हूँ, क्या आपको मेरे साथ आना है, तो उसने ना कही कि ना, नहीं मुझे नहीं आना है। फिर उसको हॉर्स मिलता है, बच्चों मीन्स घोड़ा मिलता है, तो वो और घोड़ा दोनों बात करते हैं, और नेक्स्ट में वो जो घोड़ा है वो बच्चे को पूछता है कि आपको मेरे साथ आना है, तभी भी वो जो बच्चा है वो उसके साथ जाना नहीं चाहता। तो बच्चों, ये जो घोड़ा गांव के नीचे की तरफ क्यों जाता है, तो वो अपने लिए सूखी घास लेने के लिए जाता है। तो उसी समय भी घोड़े के साथ वो जो बच्चा है वो जाना नहीं चाहता। फिर उसको रास्ते में एक पप्पी मिलता है, और वो पप्पी को पूछता है कि आप आज अच्छे दिन पर कहाँ जा रहे हो, तब वो जो पप्पी था वो उसने जवाब दिया कि मैं अप इन द हिल्स मींस पहाड़ी के ऊपर की तरफ मैं घूमने और खेलने के लिए जाता हूँ। जब घूमने की बात आई, जब खेलने की बात आई, तो वो जो लड़का था, वो जो पोएट, उसके साथ जाने के लिए हैप्पी हो गया और वो गया। तो बच्चों, आज जो हमने इस जो पोएम सीखी, उसके जो न्यू जो वर्ड्स है, विलेज, बच्चों विलेज मींस गांव, विलेज मींस गांव, हिल्स मींस पहाड़ी, ब्रेड मींस रोटी, हे मींस सूखी घास, जो घोड़ा अपने फूड में लेता है, रोल मींस गोल गोल घूमना, और प्ले मींस खेलना। तो बच्चों, टर्न द पेज नंबर 65। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द आई एम इन द पोएम, इस पोएम में आई कौन है। तो बच्चों, हमने सीखा था आई ए स्मॉल बच्चा, स्मॉल चाइल्ड है। Who has written this poem? उसने ये poem लिखी है। तो बच्चों, हम उसका answer लिखेंगे।
तो हमने बच्चों इस पोएम में सीखा कि ये व्यक्ति गांव की तरफ कुछ ब्रेड लेने के लिए जा रहा था। तो हम इस तरह आंसर लिखेंगे, द मेन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तो बच्चों आप अपने नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो, द मेन इज वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। Why didn't the child go with the horse? ये बच्चा हॉर्स के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था? तो बच्चों, the child didn't go with the horse because he was going to village get some hay. वो जो घोड़ा था वो अपने लिए सूखी घास लेने के लिए जाता था, इसलिए बच्चा उसके साथ जाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी। ये जो चाइल्ड था वो पप्पी के साथ क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो गोल गोल घूमने जाता था और खेलने जाता था, इसलिए वो पप्पी के साथ जाना चाहता था। तो हम उसका आंसर Why did the child go to the puppy? बच्चों इस तरह आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, टॉक टाइम। ये जो आंसर है मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ, आपको अपनी तरह लिखने हैं। डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पेट है? मीन्स ऐसी कोई ऐसा कोई एनिमल्स का बच्चा है कि एनिमल्स है कि जिसको आप पालते हो? तो बच्चों जो है तो यस लिखना है, तो यस आई हैव अ पेट, तो आपको इस तरह लिखना है। टॉक अबाउट थ्री थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टूगेदर। ऐसी तीन चीज़ें बताओ जो आप और अपने जो पेट है वो आप दोनों साथ में करते हो। तो बच्चों ऐसी कई चीज़ें, तो फर्स्ट है कि विथ
विथ गो फॉर अ वॉक, यानी कि जो पप्पी और हम दोनों साथ में चलने जाते। वी हैव गेट टू ब्रेकफास्ट, हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते। वी सीट एंड वॉच टीवी टूगेदर, हम साथ में बैठकर टीवी देखते हैं। तो हाँ, आप भी इस तरह आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ यू लुक आफ्टर योर पेट, टेल द क्लास फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। हाउ यू लुक आफ्टर योर पेट, यानी कि आपका जो पेट है वो कैसा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने क्लास में अपनी मदर टंग में कहना है, फिर आपको ये बात इंग्लिश में कहनी है। तो आप ये जो एक्सरसाइज आपको अपनी तरह करनी है। नेक्स्ट बच्चों, से अलाउड, तो ये जो वर्ड्स है वो आपको अपनी तरह बोलने हैं, यानी कि ब्रेड, सेड, हे, टुडे, रोल, पोल। नेक्स्ट बच्चों, हु एम आई, देखो बच्चों, हु एम आई, टिब्लू इज माय फ्रेंड, टिब्लू मेरा मित्र है। टिब्लू हैज फोर लेग्स, टिब्लू को चार ले पांव है। टिब्लू हैज लॉन्ग टेल, टिब्लू को लंबी पूंछ है। हु इज टिब्लू, टिब्लू कौन है। टिब्लू बार्क्स, टिब्लू भौंकता है। टिब्लू वेक्स हिज टेल, वेक्स मींस हिलाना, तो टिब्लू उसकी पूंछ हिलाता है। टिब्लू इज हैप्पी, टिब्लू खुश है। हु इज टिब्लू, टिब्लू कौन है, तो टिब्लू इज माय डॉग, तो बच्चों देख रहे हैं कि टिब्लू का कुत्ता है। टर्न द पेज नंबर 66, टर्न द पेज नंबर 66, यहां बच्चों आप देख रहे हैं dogs, look at the dogs in the picture, हमें पिक्चर में कुछ डॉग्स देखने हैं। And write about them, और उसके बारे में लिखना है। You might begin, I am little brown dog, my name is, तो बच्चों यहाँ हमें चार डॉग्स है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो फर्स्ट तो आएगा I am a bulldog, जो आप देख रहे हो बच्चों फर्स्ट है बुलडॉग। तो हम उसके बारे में बच्चों क्या लिख सकते हैं, बुलडॉग के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको अपनी तरह लिखना है। तो हम लिख सकते हैं आई एम अ बुलडॉग, आई हैव अ नेक शॉर्ट, तो आप देख रहे हो कि उसकी जो नेक है वो टूंकी है, छोटी सी है, तो हम लिख सकते हैं आई हैव नेक शॉर्ट। थिक लेग्स, तो हम उसके जो पाँव है हम देख सकते हो, थिक लेग्स। आई हैव अ बिग हेड, तो हम ऐसे बच्चों लिख सकते हो। उसके बाद ही बच्चों बॉक्सर, वो भी कुत्ता है बॉक्सर, तो बच्चों हम देख सकते हैं I am a boxer, I have a large dog, I am a large dog, I have a tail short, मेरी जो पूंछ है बहुत short है, मीन्स टूंकी है, छोटी सी। तो हम इस तरह भी बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड देखो कैसा है डॉग। आई एम अ जर्मन शेफर्ड, आई हेल्प पुलिस इन द कैचिंग द थीव, मैं पुलिस की मदद करता हूँ कब, जब चोरों को पकड़ने के लिए। तो बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डोबरमैन, ब्लैक कलर का
लगता है बहुत बड़ा होता है, तो आई एम अ डोबरमैन। डोबरमैन आई हेल्प इन गार्डिंग बिल्डिंग्स में, जो बिल्डिंग्स होती है, जो कंपनीज होती है, वहाँ में रहकर उसकी मदद करता हूँ। तो बच्चों हम इस तरह लिख सकते हैं। यदि आपको बच्चों उसकी जो वीडियो देखनी हो तो आप YouTube पर सर्च करके बुलडॉग इन्फॉर्मेशन, बॉक्सर इन्फॉर्मेशन, जर्मन शेफर्ड इन्फॉर्मेशन, डोबरमैन इन्फॉर्मेशन, तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। नेक्स्ट बच्चों, ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द नेम योर डॉग। हमें एक डॉग दिया है, उस पर हमें ट्रेस करके पूरा पिक्चर ड्रॉ करके हमें उसमें कलर फिल करने हैं। नेक्स्ट बच्चों, पेज नंबर 67 पर, मेज एनिमल्स विद देयर साउंड। हमें एनिमल्स के साथ जो साउंड है वो ट्रेस करने हैं। तो हॉर्स, एनिमल और उसके साउंड। तो फर्स्ट है बच्चों हॉर्स। तो हॉर्स की आवाज कैसी होती है? ने, अ डॉग। डॉग की आवाज कैसी होती है? तो बार्क। अ शीप। शीप की आवाज कैसी होती है? ब्लीट्स। अ कैट। कैट की आवाज कैसी होती है? तो म्यूज। एन एलिफेंट। एलिफेंट की आवाज कैसी होती है? ट्रम्पेट। टाइगर। टाइगर की आवाज कैसी होती है? रोर, मींस गर्जना। और काउ। काउ की आवाज कैसी होती है? तो मूस। बच्चों आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो। हॉर्स की आवाज नेज, डॉग की बार्क, शीप की ब्लीट्स, कैट की म्यूज, एलिफेंट की ट्रम्पेट, टाइगर्स की रोर्स एंड काउ की म्यूज। बच्चों आप इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। तो हमें ये जो मिक्स जो एनिमल्स है उसमें दो पार्ट्स करने हैं। डोमेस्टिक पालतू प्राणी और वाइल्ड भी जंगली प्राणी। फर्स्ट बच्चों जैकल। जैकल किसके आएगा? वाइल्ड में। जैकल मिक्स चिया। फॉक्स, उसके बाद टाइगर, वो भी वाइल्ड में आएगा। उसके बाद डॉग, डोमेस्टिक में आएगा। काउ, डोमेस्टिक में। एलिफेंट, वाइल्ड में। बियर। पच्चीस शीप, डोमेस्टिक में आएगा। गोट, डोमेस्टिक में आएगा। बफेलो, डोमेस्टिक में आएगा। तो बच्चों आप इस तरह लिख सकते हो। पेज नंबर 68,
फिल इन द ब्लैंक विद राइमिंग वर्ड्स, तो हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। हिल, लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, ब्रूनो। ब्रूनो इज माय पेट पप्पी। यहां एक पप्पी की बात की गई है, ब्रूनो। पालतू पप्पी है। ही ब्रेक्स हिज डिश, उसने अपनी डिश तोड़ दी है। ही इज सैड, मींस वो दुखी है। डैडी गिव ही मिल्क, डैडी ने उसने उसको मिल्क दिया। बट ब्रूनो इज सैड, ब्रूनो दुखी है। मम्मी गिव्स ही अ न्यू डिश, मम्मी उसको न्यू डिश दी। नाउ ब्रूनो इज हैप्पी, अब वो जो ब्रूनो है वो खुश है। तो वो अपनी डिश तोड़ दी तो वो बहुत दुखी हुआ। उसके पापा ने उसको मिल्क दिया फिर भी वो बहुत दुखी था। उसकी जो मम्मी थी उसको वो बहुत जो यानी कि बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उसको न्यू डिश दी, इसलिए वो बहुत हैप्पी हुआ। तो बच्चों उसके जो प्लान थे वो आज हम लिखेंगे। ब्रूनो इज माय, तो बच्चों कौन था, क्या लिखेंगे? ब्रूनो इज माय पेट। ही ब्रेक्स हिज डिश, डैडी गिव हिम मिल्क, डैडी ने उसको मिल्क दिया। मम्मी गिव हिम अ न्यू डिश, मम्मी ने उसको न्यू डिश दी। ब्रूनो इज नाउ हैप्पी, अब वो हैप्पी था। तो इस तरह बच्चों हम ये आंसर लिख सकते हैं। बच्चों आज हमने यूनिट 7 का जो पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट किया है। जब हम हमारी अगली वीडियो आएंगी तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम टेक्स्ट बुक में सीखेंगे। बच्चों यदि कोई दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो देखकर आप समझ सकते हो। और मैंने पेज नंबर 66 पर जो कुछ डॉग्स के पिक्चर है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप गूगल के दायरे से यानी कि आप सर्च करके भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो। तो बच्चों जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम उसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम टेक्स्ट बुक में सीखेंगे। तो बच्चों थैंक यू।